बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन। तो गाइज़, थैंक यू सो मच, आपने माइकोलॉजी की वीडियो को इतना प्यार दिया, मतलब मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ अभी जो है ना, मुझे रिक्वेस्ट थी पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वायरोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मैं पहले पैरासाइटोलॉजी करवाऊँगा एक ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि आपका जो है ना, ये वाला अभी एक वीडियो के अंदर अगर मैं कवर करवा दूँ तो मानोगे? ठीक है, मतलब इनके जो है ना नाम्स पूरे, ये आई थिंक कितने हैं, 53, 54 और 55 जितने भी चैप्टर हैं पैरासाइटोलॉजी के, उनका पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे किन किन कैटेगराइज में। आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे टीचर्स ने हमें करवाया था ये। उसके बाद हम जो है ना, वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले अपलोड करता जाऊंगा, और साथ साथ अगर आप उतनी बातें याद कर लें जितनी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमने भी उतनी ही की थी ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा बाकी जो बुक से हम डिलीट कर लेंगे, अगर कोई चीज़ रहेगी तो हम साथ साथ कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे नंबरों से जो है ना अच्छे, क्या मैं कहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हर एक बंदे की डिस्टिंक्शन आए। सही है, तो अभी हम शुरू करते हैं पैरासाइटोलॉजी। व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना मैं सारी का सारा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने जो चार्ट बनाना पैरासाइटोलॉजी का, ताकि हम को रिलेट कर सकें हम, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में मिटा देना होता है। ठीक है, बिना किसी टाइम को गवाए जो है ना हम शुरू करते हैं। फिलहाल इन मार्कर्स का इस्तेमाल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी पैरासाइटोलॉजी को हमने बेसिकली जो है ना वो चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स, कैस्टोर्स और ट्रेमाटोड्स जो होता है ना हमारे पास। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद होगी ना, तो आपके मैं कहता हूँ 3-4 MCQs ऐसे ही कवर हो जाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ आपके वाइवा के अंदर आ जाएंगे, कुछ प्रॉफ के अंदर आ जाएंगे, कुछ आपके टेस्ट के अंदर आ जाएंगे, तो वो 4-5 MCQs जो है ना वो ये जो अभी चार्ट बनाने लगा गौर से देखना है, इससे कवर होंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर सपोज करें एंड अमेबा का आ गया, आपको नहीं पता चल रहा है टेमे वक्त, अगर आपके दिमाग में ये चार्ट होगा ना, तो आप उसको को रिलेट करके कुछ ना कुछ उसका लिखाएंगे जो कि नंबर दे सकता है एग्जामिनर। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है, लाइक शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करना, जिन्होंने चैनल कर लेना, नहीं करना तो ना करना, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। सही है, पहले इनकी मैं क्लास लिख दूँ, छोटा छोटा थोड़ा सा लिखूंगा ताकि आपको ना ये इसी एक ही पेज के ऊपर आ जाए। एक हमारे पास होता है प्रोटो जोआ, आपको बुक के साथ सारा ही देना है। नंबर सेकंड पे आपने लिखना है, हमारे पास होते हैं नीमा टोड्स। देखिए नाम थोड़े से जो है ना वो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने 5-6 दफ़ा एक नाम को पढ़ेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मसला नहीं होगा। नंबर 3 पे हमारे पास जाता है कैस्टोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ साइकिल भी कैस्टोर्स। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है ट्रेमाटोड्स। हम सिर्फ बुक के मुताबिक चल रहे हैं, एंड पे हम प्रूव करेंगे कैसे कैसे मैंने ये फ्लो चार्ट जहाँ कहाँ कहाँ से निकाला। जो हमारे पास आते हैं ना प्रोटोजोआ, अच्छा प्रोटोजोआ को जो है ना फिर हमने फर्दर 3 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड करना है, इंटेस्टाइनल, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। सही है, नंबर 1 पे आपने लिख देना है इंटेस्टाइनल, नंबर 2 पे आपने लिख देना है ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह तो काफ़ी है, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। लेट मी फोकस इट, यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है ना वो 3 है, जबकि जो ब्लड एंड टिश्यू हैं वो ऑलमोस्ट 5 हैं, और ये यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ तो एक ही आपके पास आ जाएगा, ट्रिकोनोमाज और वेजिनेलिस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो थे ना नीमाटोड्स, नीमाटोड्स 2 कैटेगराइज में डिवाइड है, इंटेस्टाइनल और टिश्यू नीमाटोड्स। सही है, इसको भी हम 2 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेस्टाइनल, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो है ना इसके लिख देता हूँ हम टिश्यू नीमाटोड्स। परेशान नहीं होना, जिसको वीडियो अगर ज़्यादा स्लो हो रही है तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है। मकसद ये है कि आपको साथ साथ याद हो जाए, इस वजह से मैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, इस वजह से इंटेस्टाइनल और टिश्यू।
नंबर 3 पे जो है ना कैस्ट्रोड हो गया, इसकी जो कैस्ट्रोड 5 और 6 होते हैं, ठीक है 6 टोटल हो जाते हैं, जबकि ट्रेमाटोड जो है ना वो फर्दर हमने 3 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया। अब इनकी हम बारी बारी नाम लिखते हैं। सबसे पहली बारी है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की, तो इसके अंदर आते हैं 3। आपने इसके लिए निमोनिक याद रखना है ECG, ई सी और जी। ई से हमारे पास आता है एंट, अमीबा, फिर आगे वो हिस्ट्रोलिटिका इसकी आगे आ जाती है, ठीक है। जी से हमारे पास आ जाता है जार्डिया, ये गार्डिया जो भी आप कह रहे हैं जार्डिया मूवमेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरे क्रिप्टो स्पोरेडियम, ठीक है। सी से हमारे पास आता है क्रिप्टो, एक होती है क्रिप्टो करेंसी, वहीं से याद रख लें क्रिप्टो स्पोरियम। ये हमारे पास हो गए इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स। ECG से हमने याद रखना है एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका, सी से क्रिप्टो और जी से जियार्डिया। इजी होगा कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2nd पे है ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ। इसके अंदर आप मैंने याद रखा था PTI है ना, तो PTL, ठीक है, मतलब पी स्क्वेयर टी स्क्वेयर और एल, आई को एल कर दो, मतलब इसने एल लगा दिया हर बंदे का PTI ने, तो इस वजह से हमने आई की जगह जो है ना एल कर दिया। इसके अंदर क्या होता है, पी से हमारे पास एक आ जाएगा प्लाज्मोडियम, मतलब PTI ने ना गरीबों का खून चूस लिया। आप खबरों में सुनते हैं ना गरीब कहते हैं मेरा खून चूसा गया, ठीक है, PTI की हुकूमत में, तो वहीं से याद कर लें, मैंने तो यहाँ ऐसे ही किया हुआ था। अब इसके बाद होता है लिशमेनिया, एल से हमारे पास मेनिया। फिर हमारे पास आ जाता है टी, टी से हमारे पास आ जाएगा ट्रिपेनोसोम, ट्रिपेनोसोम। फिर हमारे पास क्या क्या रह गया, एक पी रह गया और एक टी रह गया, टी से चलो कर लेते हैं, वो होता है हमारे पास टॉक्सो प्लाज्मा, जबकि एक पी रहता है उसका था निमोसिस्टाइटिस, ठीक है, बहुत ईजी, निमोसिस्टाइट। सारे इनमें से लाइफ साइकिल नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने सिर्फ वही करनी है जो आपके एग्जाम में आने हैं, बाकियों की आपको नाम याद होने चाहिए ताकि अगर MCQ इनमें से आ जाए आपको हर दर क्लिक हो जाए। नंबर 3 पे हमारे पास यूरोजेनिटल एक ही है, इसके अंदर ट्राइको मोनास वेजिनेलिस, वेजिनेलिस से क्या आ रहा है, ये फीमेल की वेजाइना से रिलेटेड है, तो लड़कियां इसके लिए ख़ास मेहनत करेंगी, सही है। अब नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और हमारे पास टिश्यू नीमाटोड्स। इंटेस्टाइनल नीमाटोड में मैंने याद किया हुआ था ई ए की 3 और क्यूब, ईट होता है ना खाना, तो मैंने यहाँ से ई ए टी ईट और ए के ऊपर हमने 3 क्यूब डाल देना, मतलब 3 दफ़ा ए आना है। ए से हमारे पास होता है इंट्रोबियस, ठीक है, जिसे हम वर्मिकुलरिस भी बाद में कहते हैं, अभी मैं ई से। टी से हमारे पास आ जाता है ट्रिक्योरिस, ए से हमारे पास आ जाता है एस्केरिस, ठीक है, 3 हो गया। अब ई ईट हो गया, तो अब 2 ए और रहते हैं, एक हमारे पास आ जाता है एस्केरिस भी हो गया, एन एन काइलोस्टोमा बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, और एक एक हमारे पास आ जाता है क्या था वो एनिस्कस, ठीक है, एनिस्कस, ठीक है, ई ए और टी। अब इसके अलावा एक और भी होता है ट्रेक्योनीला, भी एक हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ट्रेक्योनीला, स्पेलिंग आई थिंक इसी तरह से, प्लीज़ इसके स्पेलिंग थोड़े से ना कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो मैं टी का अगर स्क्वायर डाल दूँ तो ये ट्रेक्योनीला हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है एक ऐसे होता है स्ट्रोंगलियोकाइट्स, हो गया, आप याद करना चाहें तो कर लेंगे। वो टिश्यू नीमाटोड्स में क्या होता है, विचेरिया बेनक्रोफ्टाई, ठीक है, रुकेरिया कुछ पढ़ते हैं, कुछ विचेरिया पढ़ते हैं, रुकेरिया आप पढ़ लेंगे, ठीक है, WUC और HERERI है, बहुत गंदे से स्पेलिंग है, रुकेरिया ब्रॉनक्रेफ्टी बैन क्रॉफ्टाई। इसके अलावा हमारे पास था ड्रेंकुलस मेडियनोसिस, ड्रेंकुलस DRACUNCULUS, ड्रेंकुलस बार बार लिखने से याद होते हैं, अभी काफ़ी देर बाद मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस वजह थोड़ा मसला हो रहा है, मेडी न्यूसिस, ठीक है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है लोआ, लोआ
इसके अलावा ऑन कोर्सरा वेलविलस भी एक होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी को ये याद रहने तो काफ़ी है। कैस्ट्रोड में क्या क्या होता है? कैस्ट्रोड में हमारे पास आता है, मैंने कहा था टेड है ना, कैस्ट्रोड मतलब टेड, कहते हैं ना पेट को, पता नहीं पंजाबी में टेड कहते हैं ना, ठीक है, तो TED टेड, तो टी का आपने क्यूब डाल देना। देखो मेरा पसीना यार ऊपर से गिर रहा है, मैंने पंखा काफ़ी स्लो किया हुआ ताकि शोर ना आए। वो कैन यू इमेजिन माई सेक्रीफाइसिस। अच्छा टी से हमारे पास आ जाता है टेप वर्म, एक हमारे पास टी से आ जाता है टीनिया सेजिनेटा, फिर हमारे पास एक टी आता है जिसे टीनिया सोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मतलब कैस्ट्रोड को हम कहते हैं टेप वर्म ही है, ठीक है, अब कि टेप वर्म की है टीनिया सोलियम, टीनिया जो है ना सेजिनेटा और टीनिया सोलियम, फिर एक हमारे पास आ जाता है डी ई और डी है ना, तो ई से हमारे पास आ जाता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, और डी हमारे पास रह गया डिफ्लो बोथेरियम लेटम, ठीक है, जो कि फिश की वजह से हमारे पास होता है ना थेरियम लेटम ऑलमोस्ट हमने, और एक इसके अंदर एच नाना होता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अमूमन स्किप कर दी, सिर्फ ये एच नाना का, नाना जी का जी नाम याद कर लेना, कैस्ट्रोड के अंदर होता है। ट्रेमाटोड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे पास एक आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट शिस्टोमास, शिस्टोमास, एक हमारे पास होता है पैरागोनिस्मस हो गया, और एक हमारे पास होता है कोलोनोरेक्स, इस तरह करके एक नाम आता है, ठीक है, तो आपने ये तीन नाम, इसमें शिस्टोमा जो था ना वो आपको पता होना चाहिए, बाकी ना भी हो तो ऐसा नहीं। तो गाइस ये था पैरासाइटोलॉजी का पूरा चार्ट, अभी मैं बुक से प्रूव करके देता हूँ जो हमने मैंने किस तरह जो है ना ये इसके, सबसे पहले हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है, तो ये पैरासाइटोलॉजी का ये चैप्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, ठीक है, मतलब ये प्रोटोजोआ का चैप्टर है ना, अब मैं सारा आपको प्रूव करता हूँ। प्रोटोजोआ में ठीक है हमने कहा था एक होता है इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल आ गया, ठीक है, मतलब मैं इसको हाईलाइट ही कर दूँ ताकि आपको पता चले, ये हो गया इंटेस्टाइनल। नंबर दो पे मैंने कहा था ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, हमारे पास ब्लड एंड टिश्यू किधर गया यार, एक मिनट एक मिनट, क्रिप्टोगन, ये यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ ये आ गया, ठीक है, नंबर तीसरे वाला पहले बता रहा हूँ, और हमारे पास फिर आ जाता है ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ 57 पे, ठीक है, तो मैंने वो तीनों को जो है ना वो प्रोटोजोआ को एक करें, इंटेस्टाइनल यूरोजेनिटल चैप्टर 51 में है और ये 52 के अंदर आपको मिलेगा, मतलब ये 52 चैप्टर के अंदर मिलेगा, ये 51 चैप्टर के अंदर मिलेगा और ये 51 चैप्टर के अंदर, मतलब इन्होंने इतना डिस्पर्स करके लिखा बंदा कन्फ्यूज हो जाए, इस वजह से आप जाएंगे। अब देखो इंटेस्टाइनल के अंदर मैंने क्या कहा था, ECG मतलब है एंटमेबा, ठीक है, पहला एंटमेबा हो गया, नंबर दो पे इसने लिखा हुआ है हमारे पास जियार्डिया, ठीक है, तो मैंने ये जियार्डिया लिख दिया जी वाला, ECG का जी जो आ गया जियार्डिया, ये आ गया हमारे पास, और नंबर तीन पे मैंने कहा था कौन सा था, किधर गया वो, ये क्रिप्टोस्पोरम ये वाला, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरम ये आ गया, तो हमारे ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ कहा था, तो यूरोजेनिटल में ट्रैकोनोमास, जिसके अंदर फिर वेजिनेलस आ जाता है सारे का सारा, आपको वो पता चल जाएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, वो वेजिनेलस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद मैंने कहा था टिश्यू एंड ब्लड प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से थे, प्लाज्मोडियम पहले वाला, वही प्लाज्मोडियम आ गया, ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास लिशमेनिया था, लिशमेनिया अगर इसने बल्कि टॉक्सोप्लाज्मा इसने यहाँ पे लिखा हुआ दूसरे नंबर पे, तो टॉक्सोप्लाज्मा देखिए आप ऊपर नीचे कर लें इसका, हमने कौन सा चीज़ें करनी है, ठीक है, नाम आपको याद होने बेसिक पता है, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया। नंबर तीन पे न्यूमोसिस्टियासिस ये वाला आ गया, नंबर चार पे हमारे पास आ गया ट्रिपैनोसोमा, तो ये वाला, ये सारी टिश्यू प्रोटोजोआ चल रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा हो गया। नंबर पाँच पे जो है ना वो हमने क्या किया था, किधर गया वो, लिशमेनिया, ये आ गया लिशमेनिया, इजी हो गया कुछ आपको, अब फ्लो चार्ट दिमाग के अंदर कि मैप बन रहा है कि नहीं बन रहा मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीमाटोड्स, 53 जो है ना वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब पर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिस्टोड्स की अगर हम पहले बात कर लेना, तो मैंने ये तीसरे नंबर पर लिखा, तो चलो सिस्टोड को भी देख लेते हैं, मैंने कहा था टीनिया एक आती है, ठीक है,
टीनिया की सारी सारी कैटेगराइज, तो इसके अंदर क्या 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 आ गए हमारे पास, ये देखो टीनिया सोलियम नंबर वन पे, ये देखो टेवर में थे ना यार, ठीक है टीनिया सोलियम एक आ गया। नंबर सेकंड पे हमारे पास यहाँ बुक के अंदर है टीनिया, ये डिफ्लो डिफ्लो बोटेरियम लेटम, ठीक है डिफ्लो बोटेरियम लेटम ये वाला एक आ गया, तो वो यहीं पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास आगे पीछे बस हो गया एकाइनोकोकस हो गया, ठीक है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस वो सारे का सारा आ गया, ठीक है ये देखा एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। उसके बाद वो नेक्स्ट बता रहा है हमारे पास है माइनर इंपोर्टमेंट, बाकी वो माइनर वाले में आ जाते हैं, ठीक है टीनिया सैजिनेटा सोलियम आपको बताना चाहिए। ट्रेमाटोड्स में हमारे पास लास्ट पे आ जाते हैं शिस्टोमास, ठीक है वही ये मैंने बताया शिस्टोमास, ये हमारे पास आ जाते ये ट्रेमाटोड्स लास्ट वाले जो है ना चैप्टर हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कौन सा था क्लोनरिस, ठीक है और हमारे पास लास्ट पे पैरागोनिसमस, तो वही हमारे पास पैरागोनिसमस आ गया, ठीक है एल से इसे ये क्लोन पैरागोनिसमस। अब रह गया हमारे पास नीमाटोड्स, ठीक है अब नीमाटोड्स का हम बता देते हैं। नीमाटोड्स के अंदर इसने कैटेगराइज किया इंटेस्टाइनल, ठीक है एक और दूसरा मैंने कौन सा कहा है ब्लड वाला टिश्यू वाला, ठीक है इंटेस्टाइनल और टिश्यू, ब्लड का यहाँ पे नहीं आएगा, टिश्यू से ही ब्लड ऑलमोस्ट होता है वो ही आ गया। इंट्रोबियस मैंने बताया था सबसे पहले, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इसके अंदर आ जाता है जिसे हम पिन वर्म भी कहते हैं। अच्छा और हमारे पास ट्रिस्कस हो गया, ये वाला सेकंड वाला आ गया सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्कैरस, तो ये एस्कैरस मैंने लिखा हुआ है। और हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है एनसाइक्लोस्टोमा ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रोंगल ग्लाइड्स, मैंने बताया था ना जब बताते हुए वो, तो स्ट्रोंग ग्लाइड्स जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद कर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो बस मिस कराएं इसे, ठीक है ट्रिकिनेला हो गया वो, ट्रिकिनेला वो ये वाला हमारे पास आ जाएगा ये वाला ना ट्रिकिनेला सही है। और ये जनाब आपकी जो है ना टिश्यू नीमाटोड्स आ गए, मैंने क्या कहा था रुचेरिया या रुकेरिया जो भी आप पढ़ लें, ठीक है अमूमन ये टंग स्लिप हो जाती है इसके ऊपर, सॉरी फॉर दैट ऑनकेरिया, ठीक है और जिसके अंदर हमारे पास ऑनकेरियासिस आ जाते हैं वो आप देख लीजिएगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोवा 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 आ गया ना ये देखो लोवा लोवा, और ड्रेंकुलस ये बना ड्रेंकुलस जो मैंने बताया है, तो ये ड्रेंकुलस आ गया मेडियासिस हो गया। तो गाइज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली वो आगे हमने बता दिया ऑलरेडी। तो गाइज ये सारे की सारी पैरासाइटोलॉजी मैंने अलग करके रखी है लेविंसन से, ये इस चार्ट की ऊपर जो है ना वो आपकी बेस करेगी। अब हम इनका बारी बारी जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास मलेरिया का और लिशमेनिया का, ठीक है लिशमेनिया कहाँ पे था एल कहाँ पे आ रहा है ये वाला लिशमेनिया का, और एक हमारे पास मलेरिया का आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका लाइफ साइकिल, वो आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। बाकी ये टीनिया सैजिनेटा का इंपॉर्टेंट है, सोलियम का इंपॉर्टेंट है, ये लेटम वाले का इंपॉर्टेंट है, ठीक है और स्कैरस का भी आपको आना चाहिए। और इसके अलावा छोटे छोटे जो है ना वो मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो आपको फिंगर टिप्स पे आ गए तो आपकी पैरासाइटोलॉजी में कहता हूँ फिंगर टिप्स पे हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इतना वेट किया और मेरी ये हालत हो चुकी है, देखे पसीना आ चुका है, ठीक है कोई मसला नहीं है, किसी एक का फ़ायदा हो जाए कि भाई 2 दिन ने रिक्वेस्ट की थी तो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। और YouTube चैनल पे अब अवेलेबल है फीस भी लीला, जिसने को जिस चीज़ को फ़ायदा होता है वो ले ले फ़ायदा। बाकी दुआओं में याद रखना, जज़ाकअल्लाह, बस यही है कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे के मैं इसी तरह मदद करता रहूँ, बस कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।